हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लर्न मैथ्स विद विनोद शर्मा। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं। बेटा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो या पुराना वीडियो मिस ना कर सकें। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। नाम है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में कहें तो द्विघात समीकरण। और आज का जो विषय है हमारा वो है एक्सरसाइज 4.3 से, और इस एक्सरसाइज का ये फोर्थ वीडियो है। और यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट सम्स का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9, 10, 11 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलोंग विद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पिछले वीडियो में किया था हमने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर साल इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 एंड 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हिंदी में, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो बेटा ध्यान रखना है, आपने इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड यानी एकक विधि 1 आवर से लेकर करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, तो यहां पर थोड़ा सा इसमें लिखने वाला पार्ट ज्यादा है ताकि समझ भी तभी आएगा अगर हम थोड़ा सा लिखेंगे, फिर हमें ध्यान रहता है कि हमने क्या करना है। जैसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज टाइप जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही सॉल्व करेंगे, लाइन वाइज लाइन। पहली लाइन थी कि टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक, ठीक है, दोनों नलों द्वारा एक साथ हौज को भरने में समय लिया गया, या जो समय लेते हैं वो है 9 एंड 3/8 आवर्स, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा चेंज 78/75/8 आवर्स, 9 सही 3/8 घंटे यानी 75/8 घंटे। अब क्या है, उसके बाद कहा था कि आपने जो है, और उसके बाद उसने सेकंड रिलेशन दिया था कि जो बड़े वाला जो टैप है, ठीक है, वो छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है। तो हम बड़े वाले को सपोज कर लेते हैं कि वो कितना टाइम लेता है। लेट द लार्जर डायमीटर टैप टेक्स टाइम टू फिल अलोन इज इक्वल टू एक्स आवर्स। हिंदी में, मान लो बड़े व्यास वाला नल अकेले भरने में समय लेता है कितना, बराबर है एक्स घंटे। अब जो छोटे वाला है वो क्या है, बड़े से 10 घंटे ज्यादा लेगा। किताब में इस तरह से लिखा है कि बड़े वाला छोटे से 10 घंटे कम लेता है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि छोटे व्यास वाला नल बड़े से 10 घंटे ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, सो स्मॉलर टैप विल टेक टाइम डायमीटर स्मॉलर डायमीटर टैप विल टेक टाइम इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आवर्स। हिंदी में, अतः कम व्यास वाला नल अकेले भरने में समय लेगा, बराबर है एक्स जमा 10 घंटे। तो बोथ टैप्स विल फिल वाटर इन 1 आवर, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि इसको हम 1 आवर मेथड से करेंगे। अब कुल समय लेते हैं 75/8 घंटे, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका उल्टा यानी 8/75 पार्ट्स। तो हिंदी में लिखेंगे, दोनों नल 1 घंटे में हौज को भरेंगे 8/75 भाग। अब बारी बारी से बड़े और छोटे नल का भी 1 घंटे का पानी ज्ञात करेंगे कि वो कितना भरेंगे। तो लार्जर डायमीटर टैप विल फिल वाटर इन 1 आवर। तो बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, कुल समय लेता है एक्स घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट या भाग। इसी तरह से छोटे डायमीटर वाला टैप स्मॉलर डायमीटर टैप विल फिल वाटर इन 1 आवर, ठीक है, छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में पानी भरेगा, बराबर है 1 यानी 1/x
एक्स प्लस टेन, एक बटे एक्स जमा दस भाग या पार्ट। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है कुल मिला के कितना भरेंगे, 1 घंटे में 8/75। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार 1/x यानी दोनों जो है 1 घंटे में पानी भरेंगे, बड़े वाला 1/x प्लस ये बड़े वाला हो गया, छोटे वाला 1/x जमा 10 इज इक्वल टू 8/75, ये 1 आवर वाला है, 1 घंटे में दोनों द्वारा भरा गया पानी। ठीक है, दोनों का प्लस जितना वो भरेंगे वो किसके बराबर होगा, 8/75 के। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, x और x प्लस 10 का एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू x प्लस 10, और इधर प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 1 इंटू x x प्लस 10 प्लस 1 इंटू x x अपॉन, नीचे सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है, प्लस x इंटू 10 10x इज इक्वल टू 8/75। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 75 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस एक्स ये 2x प्लस 10, ये x और x ये मिलके दोनों हो जाएंगे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू दूसरी साइड 8 इंटू ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 10x। राइट बच्चों, फिर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 इंटू 2x 150x, 75 इंटू 10 प्लस 750 इज इक्वल टू इधर 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10x 80x। ठीक है बच्चों, अब क्या कीजिए, सभी को एक साइड कर लीजिए, इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम लोग सभी को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो आपके पास इधर क्या बचेगा, 0 = 8x² + 80x, और इधर से 150x उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, -150x प्लस 750 भी उस तरफ जाके -750। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा आपके पास, अब इनकी साइड चेंज कर सकते हैं आप, 0 को दूसरी तरफ लिख दीजिए, यानी पूरे की पूरी साइड ही चेंज करनी है आपने, 8x² - 70x - 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, या बिना कॉमन लिए भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, a की वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, द्विघात विधि, a इज इक्वल टू 8 यहां से आ गया आपके पास, b इज इक्वल टू -70, c इज इक्वल टू -750। राइट, अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, वो आ गया आपके पास -70² - 4 * 8 - 750। राइट बच्चों, फिर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 4900 + 24000, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर आपके पास आ जाएगा 24000। सो आपके पास अब क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 28900, 28900 जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर वही x इज इक्वल टू -b × (√b²−4ac/2a), तो यहां से वैल्यूज पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू -(-70) क्योंकि b -70 है, प्लस माइनस √28900/2×8। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास, एक्स बराबर है -(-+70) प्लस ये 28900 का जो स्क्वायर रूट, 28900 का वर्ग मूल होता है 170। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा 70 = 170/16, और दूसरी बार हो जाएगा 70 - 170/16, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसको भी 16 कर लीजिए। राइट, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आ गया 240/16, और इधर आ गया -100/16, तो यहाँ पर एक कट जाएंगे कुछ, जैसे ये 16 के टेबल पे कट जाता है, नहीं आप छोटे छोटे करके काट लीजिए, 2 8 16 120, फिर 2 4 8 60, फिर 2 2 4, ठीक है 30, फिर 2 1 2, 2 15 30, और इस तरह से ये भी 4 के टेबल पे कट जाएगा,
25 और 4 4 16, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 एंड माइनस 25 अपॉन 4। अब क्या बच्चों की जो टाइम है, समय है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आ गया, लार्जर डायमीटर टैप टेक्स टाइम टू फिल अलोन, बड़े व्यास वाला नल अकेले भरने में समय लेता है, बराबर है एक्स इज इक्वल टू 15 आवर्स या 15 घंटे, एक्स की वैल्यू आई। इसी प्रकार से छोटे व्यास वाला सो स्मॉलर डायमीटर टैप विल टेक टाइम इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है, 15 जमा 10 यानी 25 आवर्स, तो ये लेगा 25 घंटे। अतः कम व्यास वाला नल अकेले भरने में समय लेगा, बराबर है एक्स जमा 10 यानी 15 जमा 10 बराबर है 25 घंटे। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस बात का। तो ये था इस क्वेश्चन का हल, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। हिंदी में, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, तो ये भी एक उसी की तरह है, इसमें आपने जो है चाल सपोज करनी है, एवरेज स्पीड सपोज करनी है। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। मान लेते हैं सवारी गाड़ी, मान लो सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर है एक्स किलोमीटर पर आर। स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर है उससे 11 किलोमीटर ज्यादा, तो होगी एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी दूरी तय करती हैं, वो 132 किलोमीटर, कितनी दूरी तय कर रही हैं, 132 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से उसके बाद टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे आपको पता ही है, पहले भी किया है, समय बराबर है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, कितना टाइम लेगी पैसेंजर ट्रेन, 132 बटे XR। ठीक है, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 132 बटे एक्स घंटे। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आवर। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर है 132 बटे एक्स प्लस 11 घंटे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं, जो तेज गाड़ी है वो क्या है, उसका जो टाइम है स्लो गाड़ी से 1 घंटा कम है, यानी उसमें से 1 घंटा माइनस कर देते हैं, तो यानी क्या बन गया ये इक्वेशन, किस तरह से बनेगी अगर आप देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार 132 बटे x जमा 11, जो फास्ट गाड़ी का समय है, इज इक्वल टू 132 बटे x स्लो गाड़ी का समय, यानी जो हमारी सवारी गाड़ी है, माइनस 1, उसमें से 1 आवर को लेस कर देते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। इधर आ गया 132 अपॉन एक्स अपॉन 11 इज इक्वल टू, इधर एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 132 माइनस ये एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × x अपॉन x। सॉल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे, जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 132 × x इज इक्वल टू, इधर आ गया x प्लस 11 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर क्या आएगा आपके पास 132 माइनस x से, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 132x इज इक्वल टू x इंटू 132 x x इंटू माइनस x,
माइनस एक्स स्क्वेयर 11 इंटू 132, ठीक है, 1452, यह आ जाएगा 1452 प्लस 11 इंटू माइनस एक्स माइनस 11x। अब इनकी साइड्स चेंज करेंगे, सभी को एक साइड ले जाएंगे क्योंकि इधर ये माइनस एक्स स्क्वेयर नेगेटिव आ रहा है एक्स स्क्वेयर, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इनको सभी को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 132x, ये जब साइड्स चेंज होंगी ये माइनस 132x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 11x प्लस 11x और प्लस 1452 बन जाएगा माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा यहां पर, अगले स्टेप में जाने से पहले ये प्लस का 132x इस माइनस के 132x से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1452, 1452 इज इक्वल टू 0। और फिर एबीसी ए इज इक्वल टू 1, देखिए ए इज इक्वल टू 1 कुछ नहीं है 1, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू माइनस 1452। नाउ बी स्क्वेयर माइनस 4ac फाइंड आउट कीजिए। अब आपको पता लग गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है, बी है आपका 11 स्क्वेयर माइनस 4, ए है 1, सी है माइनस 1452, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 121 प्लस 5808 और सम करके आ गया 5929, 5929। बड़ा है जो कि 0 से, ठीक है। तो चलिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, बार बार एक ही बार बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा 2a। अब तो ये याद होनी हो जानी चाहिए, बस जैसे रोटी याद है वैसे ये भी याद हो जानी चाहिए, बहुत बार कर लिया हम लोगों ने इसको। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए माइनस बी यानी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट ये 5929 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस 11 और इस रूट की वैल्यू ये जो है अंडर रूट 5929, इसकी वैल्यू होती है 77, ठीक है। 5929 का वर्गमूल होता है 77, 77। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2 और इधर माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू फर्स्ट से आ गया 66 अपॉन 2 और सेकंड से आ गया माइनस 88 अपॉन 2। तो यहां पर ये कट जाएंगे 2 से, 33 दूना 66 33 या 2 वन द 2 44 यानी 44, पर ये नेगेटिव है इसलिए ये काम पे नहीं आएगा। तो x बराबर है 33 और माइनस 44, ठीक है। गाड़ी की नेगेटिव स्पीड को हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, रिजेक्टेड। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर है x यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 33 जमा 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी आपके पास इसी तरह से 44 किलोमीटर पर आवर। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, आज का क्वेश्चन 2 था ये। वैसे क्वेश्चन नंबर आपका था ये 9, सॉरी 10 था वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। अब ये जो क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ने पहले, दो वर्गों का क्षेत्रफलों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रश्न में क्या है बच्चों, यहाँ पे एरियाज का जो है उनका जो स्क्वेयर्स हैं, उनके जो एरियाज हैं उनका सम दे रखा हुआ है, ठीक है, यानी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और क्या दे रखा है, उनके परिमापों का अंतर भी दे रखा है। तो चलिए हल करते हैं, पहले उनकी साइड्स को मान लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वेयर्स बी एक्स एंड वाई मीटर्स। क्या मान लिया हमने उनको, एक्स और वाई मीटर्स। मान लो दोनों वर्गों की भुजाएं एक्स तथा वाई मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यानी जिसकी साइड एक्स है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वेयर। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, एक्स आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ साइड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये लिख लें आप, हिंदी वाले लिख लें, ठीक है। एक्स भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार से एरिया ऑफ साइड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ठीक है, हिंदी वाले लिख लें, वाई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है वाई रेस टू पावर टू यानी वाई स्क्वेयर। अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर। तो मैंने अभी आपको बताया कि एरियाज क्या क्या होंगे, पहले का दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर स्क्वेयर, तो पहला यानी एक्स स्क्वेयर जमा दूसरे का वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर वन। अब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी वो थी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर, दूसरी स्थिति थी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर क्या है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो अब हमें क्या दे रखा था कि परिमापों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, परिमापों का अंतर यानी 4x - 4y = 24, 4 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा x - y = 24, फिर x - y = 24/4, ये 4 दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 4 1 द 4, 4 6 द 24, आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, x - y = 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x = -y दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड जाके +y हो जाएगा, तो x = 6+y। अब क्या करना आपने, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, ठीक है, x का मान समीकरण एक में भरने पर, समीकरण एक था x² + y² = 468, ठीक है, तो यहां पर जब आप इस वैल्यू को भरेंगे तो क्या जाएगा, 6+y² + y² = 468। तो सॉल्व कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 * 2ab यानी 2 * 6 * y = 12y + y² + y² = 468, 2y² + 12y + 36, 468 इधर आ जाएगा आपका, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, फिर 2y² + 12y - 432 = 0 सॉल्व करके, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में y² + 6y - 216 = 0, 2 जब ये दूसरी साइड जाएगा इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y² + 6y - 216 = 0। फिर ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू -216, देन b² - 4ac इज इक्वल टू 6² - 4 * 1 * -216, दैट इज 36 + 864। अब इसको सम करेंगे, 900 विच इज ग्रेटर देन 0, सो y इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac / 2a,
सो वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, वहां वैल्यू पुट कर देंगे, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 अपॉन 2 इंटू 1। बच्चों तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, y इज इक्वल टू 900 का जो स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है वो होता है 30। तो आपके पास आ जाएगा -6 जमा 30 बटे 2, -6 माइनस 30 बटे 2, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 24 बटे 2 और y इज इक्वल टू 12, और उधर आ जाएगा ये कट जाएंगे -36 बटे 2, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा -18, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपकी भुजा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा अब, y इज इक्वल टू साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में भर देते हैं, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः y का मान समीकरण 2 में भरने पर x माइनस y इज इक्वल टू 6, x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इस तरह से साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर, अतः दोनों वर्गों की भुजाएं 18 मीटर तथा 12 मीटर होंगी। तो बच्चों ये था आपका आज का वीडियो, इस वीडियो में हमने 4.3 को टोटली कवर कर लिया है, हमारी पूरी हो गई है, और मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूरा 100% श्योर हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को प्रेस करें, साथ में शेयर जरूर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे फायदा ले सकें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग विद मनोज शर्मा, ओके बाय बाय। सो बेटा थैंक्स, आप देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करें, जिसने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्त भी इस वीडियो से जो है बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बेटा।